छत्तीसगढ़ के 25 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी। दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ा दी है। इससे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर LPG में 200 रुपए की कटौती की घोषणा भी की थी। वैसे बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस योजना से 2018 के लिए अब तक कुल 25,87,000 BPL महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया, तो वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 लाख गैस कनेक्शन BPL महिलाओं को जारी किया गया था और अब इन सभी हितग्राहियों को कम कीमत पर सिलेंडर मिलेगी। केंद्र सरकार की इस उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को पहली बार में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री में दिया जाता है। वैसे बता दें कि योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है और अब तक देश में 9,06,00,000 से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और सब्सिडी में कितनी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आप तक पहुंचे। जानकारी के अनुसार बता दें कि लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इस योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। वहीं बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सब्सिडी के साथ यह सिलेंडर पहले 774 रुपए में मिल रहा था, यानी कि अब 674 रुपए में मिलेगी। और इसी बीच बात करें कि योजना का लाभ कैसे ले, तो अगर आप भी उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार ने जरूरी पात्रता निर्धारित की गई है, जिसमें सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदक महिला होनी चाहिए और जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर LPG कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए और साथ ही महिला BPL परिवार से होनी चाहिए, यानी कि महिला के पास BPL कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप इन सभी नियमों को फॉलो कर लेते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।